इजराइल इस वक्त हमास को खून के आंसू रुला रहा है। एक तरफ सीजफायर में अपने बंधकों को हमास से छुड़वा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मार रहा है। बागी हुई 401 ब्रिगेड, हमास की ग्रैंड वैली तबाह। हमास को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सीज फायर की ढील के दौरान इजरायली सेना आखिरी वक्त तक इतने भीषण और खूंखार हमले करेगी। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में हमास पर सीजफायर डील के दौरान भी इजरायली सेना भीषण हमला कर रही है। लगभग 50 दिन की भीषण जंग में अब इजरायली सेना की 401 ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा में ऐसा हमला किया है कि हमास और इजरायल के बीच तय हुई सीजफायर डील की खुद इजरायली सेना ने धज्जियां उड़ा दी है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के ग्रैंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के ग्रैंड वैली में मौजूद हमास के कमांडर, लड़ाके, रॉकेट डिपो और हथियारों से भरा अस्पताल इजरायली सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने युद्ध विराम से पहले गाजा पट्टी में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। IDF के दावे के मुताबिक दक्षिणी गाजा के जबालिया इलाके में हमास की ग्रैंड वैली को ढूंढ निकाला गया है। हमास के ग्रैंड वैली में लंबे समय से इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। यहां रॉकेट डिपो में रखे सैकड़ों रॉकेट को इसराइली सेना ने हवाई और जमीनी हमले में तबाह कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चों के ऑपरेशन रूम में मौजूद बिस्तरों में हथियार छिपा कर रखे गए थे। हथियारों के जखीरे और भूमिगत बुनियादी ढांचे का खुलासा इजरायली सेना ने किया है। इजरायली सेना के मुताबिक ग्रैंड वैली हमास का वो इलाका है जहां से लड़ाई के दौरान हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। इसराइल की 401 ब्रिगेड ने खुफिया जानकारी के आधार पर हमास की ग्रैंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के 150 से ज्यादा लड़ाके और सीनियर कमांडर इसराइल के इस हमले में मारे गए हैं। יש בחוץ דיבורי הבל כאילו אחרי ההפוגה להשבת חצופנו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. सीज़फ़ायर दिखावा है, मिशन हमास का सफाया है। सीज़फ़ायर डील के दौरान भी हमास के ऊपर इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। इजरायली हमलों से हमास चीफ इस्माइल हानिया और खान यूनिस के टॉप कमांडर और नेता अहिया सिनवार बुरी तरह से बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इजरायली सेना से कैसे निपटे। इधर दूसरी तरफ इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हमास की ग्रैंड वैली में इजरायली सेना की 401 ब्रिगेड ने दावे के साथ सबूत पेश करते हुए साबित किया है कि ग्रैंड वैली में हमास के घातक हथियार और सैन्य उपकरण मिले हैं। लंबी दूरी के रॉकेट, लॉन्च शाफ्ट और हमास के ऑपरेशन शाफ्ट को इजरायली सेना ने ढूंढ निकाला है। पर यहां हमास का ऑपरेशन बेस भी मिला है जिसमें गोला बारूद, हथियार और दूसरी चीजें शामिल हैं। ग्रैंड वैली बनी खूनी वैली।
मारे गए 150 लड़ाके। इधर लगभग 50 दिन के खूनी जंग में 43,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं, जबकि 2,25,000 से ज्यादा इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। इधर इसराइल की IDF ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। IDF के मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया है। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर IDF ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। IDF ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर और भूमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं। ISA और IDF की खुफिया जानकारी के आधार पर एक IDF फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मक्सीब को मार डाला है। IDF के मुताबिक अबू मक्सीब ने मारे जाने से पहले इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को IDF ने मार डाला था। हमास के कमांडरों की सीरियल किलर बनी IDF, लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सेना और टैंकों पर भीषण हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास की अलग कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर RPG फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या तो टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। ونقول للاحتلال الذي تجاوزت خسائره 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية ومئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده وضباطه خلال أسبوعين فقط نحن لازلنا في بداية المعركة. باقي هوي 401 بريغيد حماس كي جراند والي تباه. लेकिन जिस तरह से इजरायली सेना ने सीज़फ़ायर से ठीक पहले तक हमास पर क्रूर और बेरहम हमले किए हैं, उसने हमास की रीढ़ तोड़कर रख दी है। दक्षिणी गाजा के जबालिया में मौजूद हमास के ग्रैंड वैली तबाह होने के बाद से हमास के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में फैले सुरंगों के जाल को लगातार खत्म करने की कोशिश में लगी है।